हेलो फ्री डॉटर्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 3 महीने में क्या संभव है, क्या डॉक्टर बन सकते हैं हम। कुछ एक बच्चे कहते हैं सर डॉक्टर बनने के लिए 1 साल का समय चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा होना जरूरी है, कुछ कहते हैं कोचिंग होना जरूरी है। तो भाई मैं आप सभी से पूछता हूँ, कुछ लोगों ने पर्सनली कॉल भी किया कि सर आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 3 मंथ में कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि आपको 1 साल मिला था ना, आपने कोचिंग की थी ना एलन में या आकाश में, जो भी टॉप क्लास कोचिंग आपने वहाँ कोचिंग की थी ना, फिर क्या हुआ कि आपको अभी नहीं आ रहा है? जब आपको 1 साल मिला था, आपने कोचिंग की, आपने बोर्ड्स किए, तब आपसे नहीं हुआ। आप एक कुछ बच्चों 2-2 साल तैयारी किए, फर्स्ट ईयर से आ गए थे वो कोटा में या कहीं बाहर, और जब आप 2 साल में सिलेक्शन नहीं दे पाए तो अब आप ये कहें सर 3 महीने में क्या होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ आपकी अपनी थॉट है भाई। दुनिया में 2 इंसान होते हैं, एक समय के अनुसार चलते हैं, एक समय को अपने अनुसार चलाते हैं। आपकी सोच है कि आप क्या करना चाहते हो। आप समय को चलाओगे तो सफल हो जाओगे, अगर समय आपको चलाएगा भाई तो लाइफ में सिर्फ रोना ही रोना है। उन बच्चों से पूछो जो बच्चे 6 साल तैयारी करके घर गए हैं वापस और नीट सिलेक्शन देने चलते वो डिप्रेशन में हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको पूछो जो दिन रात हार्डवर्क करते हैं और शाम को 200 रुपये कमाते हैं, लेकिन लेबर कहलाते हैं भाई, जो जिसने समय को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया, समय को बदल दिया, आज वो सफल है और आज उसके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, फ्रेम, सम्मान। लेकिन जो बच्चा समय के अकॉर्डिंग चलता है भाई, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। आपको 24 आवर मिलते हैं ना, दुनिया के हर एक बच्चे को 24 आवर ही मिलते हैं। आप हो या दिल्ली हो या अमेरिका हो, जहाँ के बच्चे हैं सभी को दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर क्या कॉज है 24 घंटे में एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है और एक बच्चा फेलियर की तरफ जाता है? भाई सिंपल सा कॉज इतना ही है कि जो बच्चा 24 आवर में टॉपर बनता है वो समय को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, और एक बच्चे वो होते हैं जो समय के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप 10 बजे सो जाते हो, सुबह 10 बजे सो के उठते हो, फिर बोलते हो सर मेरी तैयारी नहीं होगी, फैब चलने वाला है, अभी आपने बुक नहीं ली है। तो भाई डॉक्टर कैसे बनोगे? अगर डॉक्टर बनना है तो रातों की नींद छोड़नी होगी। जिस बंदे ने रातों की नींद छोड़ दी वह बंदा हमेशा सफल हुआ। किसी मोटिवेटर ने बहुत खूब कहा है कि जिसने सूरज को जगाया है आज जमाना उसको देख रहा है, और जिसने जो सूरज से जागा है आज उस जमाने के अंदर फेल्योर या सफल नागरिक कहलाया है। तो सिंपल सी बात है भाई, सूरज को जगाना स्टार्ट करो, ना कि सूरज से जागना शुरू करो। अगर सफल होना है तो उसके लिए 3 महीने बहुत होते हैं, एक बार कोशिश करके देखो, गारंटी मेरी सफलता आपकी ही होगी। आपके पास 24 आवर हैं, 80 डेज हैं, 84 × 24 काफ़ी कुछ होता है। अगर आप चाहो तो अपने आप को बदल दोगे और आने वाला एग्ज़ाम जो होगा वो बेस्ट जाएगा। सिर्फ कोशिश करके देखो भाई, हर बार जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी, अगर सफलता मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगी। तो जो भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं भाई, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ गलत सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कुछ दिन समय को तुम अपने अकॉर्डिंग बदलो, ना कि समय के अकॉर्डिंग खुद को बदलो। समय जो है हमेशा आता है जाता रहता है। आपके पास 50 तरीके काम के टाइम होते हैं, आप गप्पे लड़ाते हो, आप कोचिंग जाते हो, आप रास्ते में गपशप करते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप कॉलिंग करते हो, आपके पास समय है। लेकिन जब बात आती है पढ़ने की तो आपके पास 3 महीने का समय नहीं है कि आप डॉक्टर बन सको, आपके पास 3 महीने समय नहीं है कि आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सको। भाई ये बहाने बनाना बंद कर दो, आज से 80 दिन बचे हैं, जान लगा दो, लेकिन ये ठान लो कि जाने नहीं देंगे, कुछ भी करो लेकिन दिन भर में 10 से 15 घंटे पढ़ाई करो। भाई गारंटी लेता हूँ मैं कि अगर 24 घंटे आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप 15-16 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, तो उस केस में आपको MBBS मिलने से दुनिया का कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है। कोई बंदा हो, कोई कोचिंग संस्था आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, सिलेक्शन देना होगा तो आप स्वयं से दोगे, सफल आप स्वयं से बनोगे और असफल भी आप ही होगे। आपके सिलेक्शन देने से आपकी कोचिंग कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना ही आपके फ्रेंड या फैमिली कुछ बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा तो आपका अपना फ्यूचर बिगड़ेगा, और जो बनेगा तो आपका अपना फ्यूचर बनेगा। तो इसीलिए सोना छोड़िए, रोना छोड़िए और ओवर थिंकिंग छोड़िए। एक काम करिए, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको नीट के थ्रू कोई बेहतरीन MBBS कॉलेज न मिल जाए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पढ़ाई शेड्यूल मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, टिक्स बताता हूँ कैसे आप पढ़ें कैसे ना पढ़ें, मैं आपकी कॉल रिसीव करता हूँ। तो भाई मेरा उद्देश्य आपसे कोई प्रॉफिट का नहीं है, ना मैं आपको कोई मिसगाइड कर रहा हूँ कि भाई ये ना करो। मैं आपसे हर बच्चे से कहता हूँ कि भाई तू पढ़, तेरे से हो जाएगा, तू डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर तू 3 महीने देता है ना तो दुनिया तुझे लाइफ टाइम सल्यूट करेगी, अगर तू 3 महीने अपने आप को नहीं देता है तो तू दुनिया को लाइफ टाइम सल्यूट करेगा और एक लेबर बन के जिएगा भाई, ये विश्वास करो। अगर सफल नहीं हुए तो ना कोई दोस्त होता है, ना कोई फैमिली होती है, ना कोई शौक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का एक जरिया ढूंढता आदमी कि कहीं पेट भर जाए बस।
आज नहीं तो कल नहीं, कभी नहीं। जिस बच्चे ने ठान लिया वही बच्चा सफल होता है, और जिस बच्चे ने ठान लिया कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, डैट मीन्स बनना है कुछ भी करके विदाउट कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेल्फ से पढ़ेंगे, तो वो सफल होगा। भाई आप ही बताओ कि आज के 100-200 साल पहले या 70-80 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के समय में कौन सी कोचिंग चलती थी, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी थी, आइंस्टीन को किसने पढ़ाया था, न्यूटन ने कहाँ से सीखी थी, कहीं नहीं ना, उन्होंने स्वयं से इन्वेंशन किया था, स्वयं से प्रैक्टिकल किया था और आज वो सफल हुए। तो भाई तेरे पास भी सेम पावर है, 24 घंटे का दिन है, दो हाथ है, दो आंखें हैं, तू क्यों नहीं पढ़ता है, तू कोशिश कर, तू अपना बेस्ट दे, एक दिन तेरे से बेस्ट होगा और तू इतिहास लिखेगा न कि इतिहास पढ़ेगा। दोस्तों आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है भाई कमेंट करो यार, मैं आपकी 24 अवेलेबल होता हूं कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, आपको एक बेहतर रास्ता दिखाऊं जिससे आप डॉक्टर बन सकें और भविष्य में मंजिल आपको मिल पाए। तो आज इतना ही, छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो लाइक कर दी होंगे, वीडियो समझ में आई होगी, और आज बात कभी आप हार नहीं मानोगे और ना कभी मेरे को बोलोगे कि मैं आपको डिसमोटिवेट कर रहा हूं या मिसगाइड कर रहा हूं। भाई 3 महीने आपके हैं, चाहो तो एंजॉय कर लो, चाहो तो पढ़ के डॉक्टर बन जाओ और लाइफ टाइम एंजॉय करो, सोचना आपकी है और ज़िंदगी आपकी है, जो करना करिए। जय हिंद, जय भारत।